हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को स्क्रीपिंग कार्टिलेज वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने स्लिपिंग कार्टिलेज वाल्व का चैप्टर खत्म किया और उसके बाद ये स्क्रीपिंग कार्टिलेज वाल्व में हम आ गए। तो स्क्रू इन कार्टिलेज वाल्व्स आर सेकेंड ग्रुप ऑफ हाइड्रोलिक कार्टिलेज वाल्व्स यूज टू कंट्रोल प्रेशर, डायरेक्शन एंड फ्लो। इसमें भी कंट्रोल होता है प्रेशर का, डायरेक्शन का, फ्लो का। एज वी हैव सीन इन कार्टिलेज वाल्व अर्लियर, दीज वाल्व्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट ऑपरेट डिफरेंटली फ्रॉम स्लिपिंग कार्टिलेज वाल्व्स। द फॉलोइंग सेक्शन एग्जामिन्स द वेज इन विच स्क्रूइन वाल्व्स डिफर फ्रॉम द स्लिपिंग वाल्व काउंटरपार्ट्स। यूनिक फीचर ऑफ स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व्स, भी स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व का यूनिक फीचर्स क्या है। एज वी रिकॉल ए प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्क्रूइन एंड स्लिपिंग कार्टिलेज वाल्व्स कंसर्न्स द डिग्री टू विच दे परफॉर्म देयर असाइंड हाइड्रोलिक कंट्रोल फंक्शंस। टिपिकली स्लिपिंग वाल्व्स डिपेंड ऑन पायलट वाल्व टू परफॉर्म ए कंप्लीट कंट्रोल फंक्शन। अब देखेंगे कि जो भी मैंने बताया था स्लिपिंग कार्टिलेज वाल्व के बारे में, उसमें सब जगह एक पायलट वाल्व लगा रहता था जो सारा फंक्शन करता था। मोस्ट स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व परफॉर्म ए कंप्लीट कंट्रोल फंक्शन इटसेल्फ, ये खुद से करता है, उसमें पायलट से करता था, ये अपने खुद से करता है। स्लिपिंग एंड स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व्स आल्सो डिफर इन डिजाइन एस्पेक्ट्स में भी डिफर होता है। व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ द स्लिपिंग कार्टिलेज वाल्व्स आर पॉपेट टाइप, स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व्स फीचर्स बोथ पॉपेट एंड स्पूल एलिमेंट्स। इसमें दोनों रहता है, स्क्रूइन कार्टिलेज में पॉपेट एंड स्पूल एलिमेंट्स रहता है। लाइक ऑल कार्टिलेज वाल्व्स, स्क्रूइन कार्टिलेज वाल्व्स कैन बी फिटेड इनटू अ मैनिफोल्ड ब्लॉक और यूज्ड एज एन इंडिविजुअल वाल्व असेंबली। However, unlike slipping valves, the exterior of a screw-in valve insert has threads that screw into a machine manifold or individual cavity. Thread रहता है, individual cavity में बनावा जिसमें भी tight कर देते हैं। The thread design differs from that of a slipping valve, which is not threaded and as a cover that holds the valve element in place. The thread design differs from that of the slipping valve. स्लिपिंग वाल्व में नहीं रहता है, ये डिफर कर देता है क्योंकि स्क्रू इन में स्क्रू इन मतलब स्क्रू पे टाइट रहता है, इसलिए थ्रेड डिजाइन रहता है, इसलिए ये डिफर हो जाता है स्लिपिंग वाल्व। विच इज नॉट थ्रेडेड एज एंड हैज अ कवर दैट होल्ड्स द वाल्व एलिमेंट इन प्लेस, उसमें कवर रहता है, बोल्ट टाइट करके उसमें होल्ड करके रखता है। स्क्रू कार्टरेज वाल्व शेयर द फ्लेक्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लिपिंग वाल्व, दे हैव स्टैंडर्ड कॉमन पार्ट्स दैट मेक देम इजली इंटरचेंजेबल एंड सिंपलर टू मेंटेन दैट अदर टाइप ऑफ वाल्व। As in figure 1 indicates, screw-in cartridge valves and their corresponding cavities have a two-way, three-way, three-way short and four-way functions. अभी हम आते हैं figure 1 पे, देखिए ये two-way मतलब ports, एक ही है और एक ही है, दो ports, three-way मतलब एक port, दो port, तीन port, three-way short मतलब एक port, दो port, three-way short मतलब ये एक pilot port है, four-way मतलब एक, दो, तीन, चार, four-way port हो गया। This As in figure indicates, screw-in cartridge valves and their corresponding cavities have two-way, three-way, three-way short or four-way functions. These functions refers to valve and valve cavities with two ports, three ports. Three ports is one acting as a pilot port, three-way short, इसीलिए इसको बोलते हैं three-way short, and four ports. Many different valve functions can fit into a common size cavity. Different function वाले valve को सेम कैविटी में हम इसको फिट कर सकते हैं। टू इलस्ट्रेट देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व शोन इन फिगर 2 कैन फिट इनटू द सेम टू वे वाल्व कैविटी। तो फिगर 2 में आते हैं, ये देखिए ये फिगर 2 है, ये रिलीफ वाल्व डिफरेंशियल एरिया, ये देखिए ये थ्रेड सेम कैविटी में फिट हो जाएगा। मैनुअल पुल वाल्व टू वे पॉपेट टाइप, इसे भी थ्रेडेड है, ये भी सेम कैविटी में फिट हो जाएगा। चेक वाल्व, ये भी उसमें टाइट हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल वाल्व बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के ये है सिंबल, ये भी फिट हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज सोलनॉइड वाल्व, पायलट ऑपरेटेड फ्री रिवर्स फ्लो, ये भी इसमें देखिए पायलट ऑपरेटेड दिया हुआ है, ये पायलट का सिंबल है, ये भी फिट हो जाएगा। मैनुअल रोटरी वाल्व टू वे नॉब, टू वे नॉब ये घूमेगा, ये भी फिक्स हो जाएगा, ये और ये। तो ये है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल examine some of the basic design characteristics and operation of a variety of screw-in cartridge valves that provide directional flow and pressure control functions. So, friend, ye roughly difference of slip-in cartridge and screw-in cartridge valve ke baare mein raha. Next lecture mein main isi ko continue karunga, continue karke direction control valve ke baare mein bataunga. Screw-in cartridge valve mein direction control kaise kaise hota hai, kya hota hai, uske baare mein bataunga. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें, तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मैं कुछ भी अपलोड करूँ तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।